अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर हो और अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो या Instagram पर रील्स बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं कंटेंट क्रिएशन के सबसे बड़े ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करूंगा, और वो है वीडियोस को एडिट करना। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कंटेंट को एडिट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये उनका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उनके पास कंटेंट क्रिएशन के दूसरे इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। लेकिन मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सलूशन है, जो आपके एडिटिंग टाइम को 4 से 5 गुना कम कर देगा। रिसेंटली मुझे प्रीमियर प्रो की एक नई प्लगइन के बारे में पता चला। इसका नाम है फायरकट, और ये एक AI एडिटर है जो एडिटिंग को ऑटोमेट करके आपका बहुत सारा टाइम बचाता है। इसकी हेल्प से आप बहुत ही जल्दी अपने वीडियोस को एडिट कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे पहले इस प्लगइन के बारे में पता होता तो मैं भी अपना बहुत सारा टाइम बचा लेता। फायरकट के डेवलपर्स ने इस प्लगइन को अली अब्दाल के साथ मिलकर डेवलप किया है, जो खुद एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर है। इसमें जितने भी फीचर्स हैं वो अली के सालों के यूट्यूब एक्सपीरियंस और एडिटिंग नॉलेज को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। फिलहाल इसमें अभी 9 फीचर्स हैं जो वीडियो एडिटिंग के कुछ बेसिक टास्क को AI की हेल्प से ऑटोमेट कर देते हैं। 9 में से कुछ अभी बीटा फेज में है, तो इनमें कुछ इनएक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। आई होप फ्यूचर में ये फीचर्स इम्प्रूव हो जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो मुझे लगता है एक वीडियो को एडिट करना कुछ ही मिनट्स का प्रोसेस रह जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप फायरकट यूज करोगे तो आपको बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसका काम आपको असिस्ट करना है, न कि रिप्लेस करना। ये आपको जल्दी से जल्दी एक रफ एडिट बनाकर दे देगा, जिसे आप फिर अपनी एडिटिंग स्टाइल के हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, इसका फर्स्ट रफ कट भी मैंने फायरकट से ही बनाया था। ये कुछ ही मिनट्स में आपके वीडियो के साइलेंट सेगमेंट्स को कट कर देता है, फिलर और रिपीटेटिव वर्ड्स को ढूंढकर डिलीट कर देता है, एनिमेटेड कैप्शंस क्रिएट करता है, और तो और इंटरनेट से बी रोल्स को सर्च और डाउनलोड करके टाइमलाइन में ऐड भी कर देता है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फायरकट को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आप स्टार्टर, प्रो या टीम में से कोई भी एक प्लान मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हो। अगर आप कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो चेकआउट पेज पर आप हमारा एक्सक्लूसिव प्रोमो कोड एडिटिंग कॉर्प यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हम इसे प्रीमियर प्रो में ऊपर विंडो में जाकर एक्सटेंशन से रन कर सकते हैं। पूरी तरह से लोड होने के बाद फायरकट का UI कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिन्हें यूज करके हम कुछ ही मिनट्स में एक रफ एडिट तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ टाइमलाइन पर एक रॉ वीडियो इम्पोर्ट कर रखा है। इसमें मैंने अभी कुछ भी एडिट नहीं किया है। इस वीडियो में अभी काफी सारे साइलेंट सेगमेंट्स हैं, जिन्हें अगर मैं एक एक करके मैन्युअली कट करने बैठूंगा तो मुझे एटलीस्ट आधा घंटा तो लग ही जाएगा। इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम फायरकट का रिमूव साइलेंसेस वाला फीचर यूज करेंगे। इसमें एक स्लाइडर कंट्रोल है जिससे हम कट्स की टाइटनेस को सेट कर सकते हैं। अगर हमें हर कट के बीच में ज्यादा साइलेंस चाहिए तो हम इसे लेफ्ट में लूज कट की तरफ स्लाइड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम फास्ट कट्स रखना चाहते हैं तो स्लाइडर को राइट में टाइट कट की तरफ स्लाइड कर देंगे। मैं यूजुअली अपने वीडियोस में थोड़े टाइट कट्स ही प्रेफर करता हूँ, तो हम स्लाइडर को थोड़ा सा राइट में स्लाइड कर देते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन गाइडेंस ऑडियो ट्रैक का है। फायरकट बेसिकली ऑडियो लेयर को एनालाइज करके कट्स बनाता है। अब क्योंकि हमारा ऑडियो ऑडियो लेयर 1 में है, तो हम यहाँ सिर्फ ऑडियो 1 को ही सिलेक्ट करेंगे और ऑडियो 2 एंड 3 को अनचेक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्कोप का। इसमें मैं फुल सीक्वेंस को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में से साइलेंट सेगमेंट्स को रिमूव करना चाहता हूँ। एनालिसिस फॉर्मेट को हम MP3 पर ही रहने देंगे। ये फायरकट की रिकमेंडेड सेटिंग है, क्योंकि इसका मेमोरी यूजेज कम है। इसमें लास्ट सेटिंग है कटिंग एल्गोरिदम। इसे हमें वीडियो की लेंथ के हिसाब से सेट करना है। जो वीडियोस 10 मिनट से कम ड्यूरेशन के हैं, उसके लिए ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, और 10 मिनट से बड़े वीडियोस के लिए रैपिड। इसमें एक टर्बो ऑप्शन भी है, लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। अब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम गो बटन पर क्लिक कर देंगे, और थोड़ा सा वेट करने के बाद फायरकट अपना काम शुरू कर देगा। ये हमारे वीडियो के ऑडियो को ट्रांसक्राइब करेगा और फिर एक एक करके साइलेंट सेगमेंट्स को कट करना शुरू कर देगा। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में हमारा रफ कट तैयार हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसमें से जैसे फिलर वर्ड्स को भी रिमूव कर सकता हूँ। इसके लिए हम रिमूव फिलर वर्ड्स फीचर को यूज करेंगे। इसमें बस 2 ही सेटिंग्स हैं। गाइडेंस ऑडियो ट्रैक में ऑडियो 1 और स्कोप में फुल सीक्वेंस को सिलेक्ट करके हम एनालाइज ऑडियो बटन पर क्लिक कर देंगे। अब फायरकट वीडियो को एनालाइज करना शुरू कर देगा, और जहां जहां भी उसको फिलर वर्ड्स मिलेंगे वो उन पार्ट्स को कट कर देगा। फिलहाल हमारे वीडियो में इसे कोई फिलर वर्ड नहीं मिला।
नेक्स्ट फीचर है एड जूम्स। इसका काम हमारी वीडियो में कैमरा जूम इफेक्ट ऐड करना है। अगेन इसमें हमें एक स्लाइडर कंट्रोल मिलता है जिसे लेफ्ट या राइट में स्लाइड करके हम जूम की फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है जूम स्टाइल। हमें कितना जूम इन करना है वो स्केल की वैल्यू से सेट कर सकते हैं। फिर सेंटर पॉइंट से हम जूम को किस चीज पर फोकस करना है वो सेट करेंगे। अगर आप एक टॉकिंग हेड वीडियो बना रहे हो और स्पीकर के फेस पर जूम को फोकस करना चाहते हो तो आप फेस डिटेक्शन ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। एनिमेटेड बटन को इनेबल करके हम जूम इन की ड्यूरेशन और ईज को सेट कर सकते हैं। स्कोप रहेगा फुल सीक्वेंस और फिर लास्ट सेटिंग है लैंग्वेज की। अब ये जो जूम फीचर है ये ऑडियो को ट्रांसक्राइब करता है, फिर जहां भी इसको लगता है हमने कोई इम्पोर्टेंट बात करी है या वर्ड यूज किया है ये उस जगह पर जूम इफेक्ट को ऐड कर देता है। इसलिए वीडियो की सही लैंग्वेज को सिलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा वीडियो हिंदी में है तो मैं इसमें हिंदी सिलेक्ट करूंगा। अब गो बटन पर क्लिक करते ही फायर कट अपना काम शुरू कर देगा और कुछ ही सेकेंड्स में जहां भी जरूरत होगी वहां जूम इफेक्ट्स को ऐड कर देगा। एनालिसिस पूरा होने के बाद हमें हमारे वीडियो का पूरा ट्रांसक्रिप्शन दिखेगा और ये जो येलो हाइलाइटेड टेक्स्ट है यहाँ पर फायर कट ने जूम इफेक्ट्स को ऐड किया है। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके जूम को डिलीट कर सकते हो या किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करके वहाँ पर जूम ऐड कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर वी हैव ऐड चैप्टर्स। इसका काम वीडियो को एनालाइज करके टाइम स्टैम्प के साथ चैप्टर्स क्रिएट करना है। स्कोप में फुल सीक्वेंस, लैंग्वेज में इंग्लिश और जनरेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को इनेबल करने के बाद हम सीधा गो पर क्लिक कर देते हैं। हमारा वीडियो भले ही हिंदी में है लेकिन मुझे चैप्टर्स इंग्लिश में चाहिए, इसलिए मैंने लैंग्वेज में इंग्लिश ही सिलेक्ट किया है। जब फायरकट वीडियो को ट्रांसक्राइब करेगा तो ये उसको ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर देगा। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। इसमें ऊपर टाइटल आइडियाज हैं, फिर डिस्क्रिप्शन है और फिर उसके नीचे चैप्टर्स हैं। ये सारी डिटेल्स हम वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो सीधा यहाँ कॉपी टाइमस्टैम्प्स टू क्लिपबोर्ड बटन पर क्लिक करके चैप्टर्स को कॉपी करके यूट्यूब में पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद एड मार्कर्स बटन की हेल्प से आप टाइमलाइन पर मार्कर्स ऐड कर सकते हो या चैप्टर क्लिप्स ऑप्शन यूज करके एनिमेटेड मोगर्ट से अपने वीडियो को प्रोफेशनल टच दे सकते हो। अब जैसे हमने पहले फिलर वर्ड्स रिमूव करे थे सेम वैसे ही हम रिमूव रेपिटेशन फीचर यूज करके रेपिटेटिव वर्ड्स, सेंटेंसेस या टेक्स अपने आप वीडियो से कट कर सकते हैं। इसका मोड हम एडवांस्ड पर रखेंगे क्योंकि ये बेटर रिजल्ट देता है। स्कोप में फुल सीक्वेंस और लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट करके मैं डिटेक्ट रेपिटेशन पर क्लिक कर देता हूँ। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद फायरकट हमें टेक्स को प्रीव्यू और सिलेक्ट करने के ऑप्शंस देता है। इस लिस्ट में से आप टेक्स को एक एक करके प्रीव्यू कर सकते हो और जो भी आपको बेस्ट लगे उसके आगे टिक बटन पर क्लिक करके उसको वीडियो में रख सकते हो। अब ये जो अगला मल्टी ट्रैक फीचर है ये पॉडकास्ट एडिटर्स के बहुत काम की चीज है जहाँ पर मल्टीपल कैमरास, माइक्स और स्पीकर्स होते हैं। आपको बस इसकी सेटिंग्स में सारे स्पीकर्स के नाम डालने हैं एंड नीचे उनके वीडियो से एसोसिएटेड ऑडियो ट्रैक्स को सिलेक्ट करना है। फिर एनालाइज पर क्लिक करते ही फायरकट एक ऐसा पॉडकास्ट स्टाइल वीडियो एडिट कर देगा जहाँ जो स्पीकर बोल रहा है उसी के हिसाब से कैमरा भी स्विच होने लगेगा। अगर आपको एक अच्छा यूट्यूबर बनना है तो आपको रिटेंशन होल्ड करना आना चाहिए और एनिमेटेड कैप्शन इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है। फायरकट आपको कैप्शंस ऐड करने का भी फीचर देता है जो आपके वीडियो को ट्रांसक्राइब और जरूरत पड़े तो ट्रांसलेट भी कर देता है। फिर आप चाहो तो फायरकट के कैप्शन प्रीसेट्स में से एक को सिलेक्ट कर सकते हो, उसे कस्टमाइज कर सकते हो या फिर स्क्रैच से ब्रांड न्यू कैप्शंस डिजाइन कर सकते हो। आप इन कैप्शंस की SRT फाइल बनाकर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो जो यूट्यूब या दूसरे कॉन्टेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पर सबटाइटल्स के लिए यूज हो सकती है। अब हमने वीडियो से साइलेंट सेगमेंट्स रिमूव कर दिए, फिलर और रेपिटेटिव टेक्स को भी कट कर दिया और वीडियोस को एंगेजिंग बनाने के लिए चैप्टर्स और कैप्शंस भी ऐड कर दिए, लेकिन अभी भी हमारे वीडियो में वेरिएशंस की कमी है और इसी कमी को पूरा किया जाता है बीरोल से। इंटरनेट पर जाकर स्टॉक वीडियोस की वेबसाइट से बीरोल्स को ढूंढना, डाउनलोड करना, फिर टाइमलाइन पर ऐड करना भी काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को भी फायरकट अपने फाइंड बीरोल फीचर से कुछ लिमिट तक सॉल्व कर देता है। कुछ लिमिट तक इसलिए क्योंकि अभी बीटा फेज में है और उतना एक्यूरेट नहीं है। इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। कितनी कितनी देर में वीडियो में बीरोल्स चाहिए वो हम बीरोल फ्रीक्वेंसी स्लाइडर से सेट कर सकते हैं। मेथड को हम लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट पर ही सेट रहने देंगे, फिर लाइब्रेरी में अपनी पसंद की स्टॉक लाइब्रेरी को सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद सेटिंग्स में मैच सीक्वेंस ओरिएंटेशन को इनेबल कर देंगे ताकि जो भी B-rolls Firecut सर्च करे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो, क्योंकि हमारा वीडियो भी हॉरिजॉन्टल है। इसके बाद स्कोप में फुल सीक्वेंस सिलेक्ट करके हम फाइंड B-roll बटन पर क्लिक कर देंगे। अब Firecut सबसे पहले वीडियो को ट्रांसक्राइब करेगा, फिर हमारी सिलेक्ट करी हुई स्टॉक लाइब्रेरी में जाकर ट्रांसक्रिप्शन से कीवर्ड्स पिक करेगा और B-rolls को सर्च और डाउनलोड करके टाइमलाइन में ऐड कर देगा। B-rolls को ढूंढने और ऐड करने का प्रोसेस Firecut के दूसरे फीचर से थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये B-rolls को एक एक करके डाउनलोड करता है। अगर आपकी डाउनलोड स्पीड तेज है तो ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, अगर स्लो है तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है। Firecut का लास्ट फीचर है क्रिएट हाइलाइट्स। अकॉर्डिंग टू इट्स डेवलपर्स, ये फीचर की हेल्प से आप अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो में से कुछ बेस्ट मोमेंट्स को ढूंढकर उनको इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितनी बार भी इस फीचर को टेस्ट किया, इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ही इनएक्यूरेट और अनयूजेबल ही लगे। अगर आप सिर्फ टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हो तो शायद ये आपके काम आ जाए, पर क्योंकि मैं अपने वीडियोस में काफी सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स यूज करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद फ्रेम का अलाइनमेंट बिल्कुल ही ऑफ हो जाता है। अगर मुझे घंटों बैठकर इस अलाइनमेंट को मैनुअली ही ठीक करना है तो मुझे लगता है ये फीचर का मेरे वर्कफ्लो में कोई काम नहीं है। देखा जाए तो Firecut साइलेंट सेगमेंट्स और रिपीटेटिव टेक्स को रिमूव करने जैसे बोरिंग टास्क को ऑटोमेट करके आपकी एडिटिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड, इसके दूसरे फीचर्स जैसे कि फाइंड B-rolls या क्रिएट हाइलाइट्स उतने काम के नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इन फीचर्स को यूज करने का ट्राई भी करोगे तो यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि रिजल्ट्स इनएक्यूरेट और अनयूजेबल हैं। इन शॉर्ट, अगर आप Firecut की हेल्प से अपने वीडियोस को जल्दी से जल्दी एडिट करना चाहते हो तो स्टार्ट विद रिमूव साइलेंसेस, रिमूव फिलर वर्ड्स एंड रिमूव रेपिटिशन फीचर्स। फिर उसके बाद अपने वीडियो को मैनुअली ही एडिट करिए। फिर इसके बाद लगे तो आप एड कैप्शन फीचर से कैप्शन एड कर दो और लास्ट में एड चैप्टर फीचर से आप YouTube में इजी नेविगेशन के लिए चैप्टर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक पॉडकास्ट एडिट कर रहे हो तो फिर मल्टी ट्रैक फीचर को भी इस वर्कफ्लो में ऐड किया जा सकता है। याद रखिए, ये प्लगइन आपको असिस्ट करने के लिए है, रिप्लेस करने के लिए नहीं। तो जितना हो सके अपने वीडियोस को मैन्युअली ही एडिट कीजिए, इससे आपकी स्किल्स और क्रिएटिविटी दोनों ही डेवलप होती है। Firecut का डाउनलोड लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज आवर डिस्काउंट कोड EditingCop टू गेट 10% ऑफ ऑन ऑल मंथली प्लान्स। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी। एंड डू टेक अ लुक एट दिस वीडियो, इसमें मैंने प्रीमियर प्रो की 7 ऐसी टिप्स शेयर करी हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस आप अपना काफी सारा टाइम बिना एडिटिंग की क्वालिटी को खराब किए बचा सकते हो।